भोजपुर में हत्याओं की लगातार वारदात से दहशत का माहौल कायम हो गया है। आज फिर एक आपराधिक घटना ने चांदी थाना क्षेत्र में सनसनी फैला दी। दरअसल चांदी थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव में कुख्यात रंजीत चौधरी के पोस्टर फाड़ने के विवाद में एक रिटायर्ड फौजी को हथियारबंद अपराधियों ने 9 गोली मारकर हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि लोदीपुर गांव निवासी व रिटायर्ड फौजी पृथ्वीनाथ शर्मा व गांव के ही कुछ नामजद लोगों के बीच छठ पर्व में भोजपुर का कुख्यात डॉन रंजीत चौधरी का पोस्टर लगाने का विवाद खड़ा हुआ था। मृतक पृथ्वीनाथ शर्मा सूर्य मंदिर पर लगे कुख्यात रंजीत चौधरी का पोस्टर हटाने के लिए फाड़ दिया गया, जिस पर नामजदों ने जान से मारने की धमकी दी थी। आज रात पृथ्वीनाथ शर्मा अपने सीमेंट दुकान को बंद कर अपने बेटे के साथ घर लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए करीब 4 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने ताबड़तोड़ 9 गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी और हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घटना की जानकारी जैसे ही चांदी थाना पुलिस को मिली, वह तत्काल मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर अंत परीक्षण के लिए आरा सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं इस मामले में चांदी थाना से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि नामजदों द्वारा एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी। प्रथम दृष्टया पोस्टर फाड़ने का विवाद सामने आ रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं नामजदों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। कहाँ घटना है, कौन जगह? ये लोदीपुर का है। लोदीपुर था? हाँ, लोदीपुर। कितने गोली लगी है? 8-9। और मारने वाला कौन था, कहाँ का था, कुछ पता चला है? स्पष्ट नहीं हो रहा है, लोग देंगे तब। पोस्टर फाड़ने की विवाद आ रही है कि डॉन का पोस्टर फाड़ा गया, उसके बाद हत्या कर दी। पोस्टर फाड़ना गया था, पोस्टर का विवाद आ रहा है। तो पहले विवाद हुआ था पोस्टर के लिए, काम लोग उसी से जोड़ के मान रहे हैं। मैंने पहले विवाद हो चुका है इन लोगों से। अब विवाद हुआ है, कोई आज देखा नहीं है, लेकिन पोस्टर वाला मैटर था। छठ में पोस्टर लोग टांगे थे, मना किए थे। किसका पोस्टर था? कुख्यात डॉन रंजीत चौधरी। हाँ, रंजीत चौधरी। लोग बता रहे हैं कि उनका फोटो था, नाम उन्हीं का। पुलिस फिलहाल क्या कर रही है? नाम हम लोग ले हैं, पहुँची गए यहाँ। कितने लोगों का नाम सामने बता रहा है? 2 आदमी का बता रहे हैं। 5 आदमी का बता रहा है। 2 आदमी का नाम बता रहा है। सीमेंट दुकान था, हम और पिताजी, हम मोटरसाइकिल से थे और पिताजी साइकिल से थे। तो आगे निकले 25 मीटर के आगे पर होंगे, वो आगे निकले, हम पीछे मोटरसाइकिल से जा रहे थे। तो एक पर एक उन सब निकला, जंगल टाइप का है, जंगल में से निकला ना, धूम फायर करने लगा। हम हाँ 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 बोलते बोलते। कितने लोग थे? बोलो। दो मारने वाला दो था और दो देखने वाला अलग से था। कैसे थे लोग, गाड़ी से थे लोग कि पैदल थे? मोटरसाइकिल अलग लेके एक कलम कोई खड़ा था। झाड़ी अच्छी है, मैं पहले से घाट लगाए हुए था। हाँ, पहले से घाट लगाए। कोई विवाद पहले से? कोई विवाद नहीं। मारने वाले कौन थे, गांव के ही? हाँ, गांव के ही। अभिषेक कुमार, फिर नीरज कुमार और उसके साथ एक दो आदमी है, फिर हम बाद में उसको अथी करेंगे। पोस्टर वगैरह की बात चल रही थी? हाँ, पोस्ट जो छठ पूजा था उसमें वो किसी गंदे आदमी का तस्वीर और फोटो लगाए हुए थे। रंजीत चौधरी के फोटो लगाए हुए था बिलाउज उस पर। वो बोले कि पिताजी बोले कि भैया इस फोटो को हटा दो, आज तुम लगाओगे, कल कोई दूसरा आके कुछ लोग कोई परसवाएगा तो फिर और कोई रंग बाज के लगा देगा, इसलिए ये सब हटाओ। तुम जाके जीआर स्वामी चाहे कोई स्वामी कोई भक्त हो लेकर उसको लगा दीजिए। इसी पर बोला कि आपको हम 3 दिन में दिखा देंगे। लेकिन हम लोगों को इतना, हम लोग मान के नहीं चल रहे थे कि बोला है तो ऐसे वो
पदे का कारण जहाँ तक हमारे गांव में ऐसा कांड वाला कांड है। कौन था जो इसका फोटो था है? फोटो जो था लगा था कौन था वो? बिलाव के रंजीत चौधरी। मैंने छठ के सुबह मैंने उसका क्या करते हैं पिताजी? हमारे पिताजी आर्मी में थे।